हे एवरीवन, वेलकम बैक टू ममता फैशन स्टूडियो। तो गाइस, आज के वीडियो में हम स्लीव का डिज़ाइन बनाएंगे। इस डिज़ाइन को आप ट्राउज़र पे भी बना सकते हैं। जिसके मैंने लिए मैंने कपड़ा लिया है जिसकी चौड़ाई 4.25 इंचेस है और इसकी लंबाई जो है वो मैंने 40 इंचेस ली हुई है। आप इसकी चौड़ाई 4 इंचेस भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से फोल्ड करके मैंने स्टिच लगा दिए हैं। उसके बाद हमें इस तरीके से प्लेट्स लगानी है। ये देखिए, अपोजिट साइड्स में प्लेट्स लगानी है एक दूसरे के। ये देखिए, तो इसी तरीके से हमें जितना भी कपड़ा है ना, इसका पूरे का प्लेट्स बनाकर रेडी कर लेना है। गाइस, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में ये डिज़ाइन, आप ज़रूर ट्राई करें, और इतना हार्ड भी नहीं है। तो इस तरीके से मैंने ये जो प्लेट्स हैं वो सारी बनाकर रेडी कर ली हैं। तो प्लेट्स रेडी करने के बाद अब मैं अपना स्लीव का कपड़ा ले लूँगी। तो स्लीव का कपड़ा भी मैंने ले लिया है। अब इसको सीधी तरफ रख लेंगे, जो हमने डिज़ाइन बनाकर रेडी किया प्लेट्स वाला। अब इस कपड़े की तरफ से इसको इस तरीके से कवर अप कर लेंगे ताकि धागे वगैरह ना निकले इसमें से। गाइस, प्लेट्स बनाने के लिए ना कपड़ा आपको तकरीबन 4 गुना लेना होगा, जितना आपकी स्लीव की विड्थ है उसके हिसाब से। अब इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद एक और सिलाई लगा देंगे ऊपर से। ये देखिए, पक्की सिलाई। तो पक्की सिलाई लगाने के बाद अब मैं सुई में धागा ले लूँगी सेम कलर का जिस कलर का हमारा ये स्लीव है। धागे को पीछे बैक में हमने सेंटर में अटैच किया। अब इसमें सेंटर में हम छोटे छोटे टाँका लगाएंगे इस तरीके से। टाँका लगा के इसको इस तरीके से खींच देंगे कपड़े को, और प्लेट्स बनाकर रेडी कर लेंगे, और उसके बाद हम इसे पक्का कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमारा अच्छे से बन के रेडी हो जाएगा ये बटरफ्लाई के विंग जैसा। ये देखिए, अब इसमें हम बीट लगा लेंगे सेंटर में। आप किसी भी कलर का बीट लगा सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट में लगा सकते हैं, गोल्डन या फिर सिल्वर कलर का। मैं इसमें सिल्वर कलर का अटैच कर रही हूँ, या फिर आप यहाँ पे बटन्स भी लगा सकते हैं। ये देखिए, तो इसी तरीके से मैं आपको एक और बना कर दिखा देती हूँ, और फिर जो सारे हैं हम उसमें भी बना लेंगे। बैक से देखेंगे ना आप, सेंटर में प्लेट्स का जो सेंटर है ना, उसमें मैं सुई डाल रही हूँ एकदम, और वो आगे से सेंटर में ही आएगा। बाकी आपको एकदम सेंटर में टाँके लगाने हैं ताकि बराबर तरफ से ना अच्छे से विंग्स निकल के आए दोनों साइड से। ये देखिए, तो दूसरी साइड भी इसी तरीके से मेरा विंग्स बन जाएगा स्लीव का। ये देखिए, तो यहाँ पर भी अब मैं एक बीट लगा लूँगी। तो यहाँ पर भी मैंने बीट लगा के रेडी कर लिया। अब इसी तरीके से हम पूरा जो हमारा आगे का बचा है उसमें पूरे में हम बना लेंगे सुई की हेल्प से ही। ये देखिए, पक्का कर लेते हैं इसको। तो गाइस, अगर ऐसी और डिज़ाइंस ना आपको फोटोग्राफ्स और वीडियोज़ मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज भी मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सारे में मैंने ये बना दिया है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है बनने के बाद। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया, ऐसी और डिज़ाइंस की वीडियोस आपको मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर मिल जाएंगी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके एक बार ज़रूर देखें कि आपको कैसे किस डिज़ाइंस मिलेंगे। बाकी ये जो डिज़ाइन मैंने बनाया है, ऐसी और डिज़ाइंस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ पर देख सकते हैं ट्राउज़र की नेक डिज़ाइंस और स्लीव डिज़ाइंस, बेबी ड्रेसेस। तो डिज़ाइन पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।